हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 19 वर्षीय छात्र मृत पाया गया। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है। हालांकि मृतक स्टूडेंट के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कैंपस में रैगिंग की जा रही थी, इस वजह से वह काफी मायूस रह रहा था। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक रैगिंग को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। मृतक छात्र का नाम संस्कार चतुर्वेदी है और वह गुजरात का रहने वाला है। वह सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र की बहन ने मामले में FIR दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनीपत के सिविल अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हम इस केस की हर तरह से जांच कर रहे हैं और हर संभावित एंगल की तरफ भी देख रहे हैं। मृतक छात्र के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।